Uh, congratulations! Four wins in four. Could you have imagined a better start to the tournament? Uh, yeah, uh, actually, we were uh, working hard for this, so I'm really happy that uh, we are uh, winning uh, consecutive four matches, and I'm really looking forward for the next games now. How confident are you from your performances in the last four games, and where that puts you ahead of the semifinals? Uh, yeah, obviously, it feels great uh, when you uh, do something for your team, and. Yeah, I'm really looking forward uh, for the semis now. <laughs> what's the plan between now and Wednesday for you and the team? Sorry? What's the plan between now and Wednesday for you and the team? So, sorry, I. Um, didn't what's get... the plan between today and Wednesday for you and the team to prepare oh. for the semifinals? Uh, not much. Uh, uh, we were just uh, looking to keep it uh, simple, and yeah, we were just being in present and enjoying the moment. That's it. We were just keeping it simple. The uh, What's the plan between now, after here, and Wednesday before the semifinals? Semi final, okay, before. No, no, no. <laughs> uh, it will be one or two off, but uh, we we are definitely going to work hard uh, because semis and then finals, so uh, we are really excited too. Yeah. Any more questions <laughs> in English? Um, पहले दो मैचेस में जब आपको 11 में जगह नहीं मिली तो कॉन्वर्सेशन क्या थी और आ, आपका रिएक्शन क्या था बिकॉज ऑफकोर्स टू थाउजेंड से कंसिस्टेंटली आप 11 में खेल रहे हो बिट ऑफ अ चेंज आपके साथ कॉन्वर्सेशन क्या था और आपके मन में खुद का कॉन्वर्सेशन क्या था uh, अब uh, एक मिनट आई जस्ट ट्रांसलेट द क्वेश्चन इंड डो इंग्लिश ऑल्सो ओके फॉर द कैमरा वैन द टोर्मेंट्स आर डेड यू वर्ट इन दार्टिंग 11 वॉट इज द कॉन्वर्सेशन विद यू एंड हाउ हाउ डिड यू फील हिंदी में जवाब देना ओके ज़्यादा कुछ नहीं एक्चुअली uh, मैंने ट्राई सीरीज में इतना अच्छा किया नहीं मीन्स ऑनेस्टली आई वॉज नॉट अप टू द मार्क तो वो थोड़ा सा था आई डोंट नो कुछ नहीं अपने आप को बैक कर रही थी मैं uh, मुझे पता था कि मैं अगर वर्क हार्ड करूंगी तो मैं डेफिनेटली uh, मैं खेलूंगी और टीम को जिता सकती हूँ ये पता है तो आई एम हैप्पी दैट आई एम गेटिंग द चांस

उन्होंने डेफिनेटली बहुत वर्क किया है मेरे बॉलिंग पे एक्चुअली uh, मैं uh, मेरा माइंडसेट भी थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा था क्योंकि मैं बहुत सोच रही थी मेरे बॉलिंग के एक्शन को लेके एंड है बट सर ने बहुत सपोर्ट किया बहुत फ्री किया मुझे उस चीज़ को लेके और अभी थैंक uh, गॉड वो धीरे धीरे वो एरस जो थे वो निकल रहे और, और सब अच्छा हो रहा है अभी धीरे धीरे और भी अच्छा करना है बट सर ने बहुत सपोर्ट किया लास्ट गेम में आपको बैटिंग करने का मौका मिला और एक शानदार छक्का लगाया आपने ओवर कवर्स लव टू ड्राइव ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिला है आपको टू बैट इन द इंडियन सेटअप सो जब मिला मौका तो कैसा लगा ख़ुद को क्या बोल रहे थे जब फाइनल uh, ओवर्स में एक पुश चाहिए था इंडिया को एंड देन आपने पुल ऑफ किया तो होटल में जाके ठीक ठीक लगा <laughs> uh, मुझे एक्चुअली बॉलिंग से ज़्यादा मुझे बैटिंग करना पसंद है ये सबको ही पता है शायद आपको भी पता हो Uh, नहीं नहीं मैं uh, बहुत बैटिंग पे भी वर्क कर रही थी बहुत और मुझे पता था वो वो रन्स बहुत क्रूशल होने वाले फिर uh, हम मतलब हम वन वन ट कुछ तो थे तभी जब मैं अंदर गई और फिर वहाँ से मैं और शिखा दी ने वो कवर किया पूरा uh, रन्स और अच्छे शॉट्स खेले हम दोनों ने रमन सर से स्पेसिफिकली क्या इनपुट्स मिले हैं इन टर्म्स ऑफ यू नो जो आप लोअर मिडल ऑर्डर बैटर्स हो ताकि यू नो वो लास्ट में जो फाइनल चेज हो या फिर फर्स्ट इनिंग्स में हो वो इंडिया को एक पुश मिल सके रमन सर से स्पेसिफिकली क्या इनपुट्स मिले हैं आपको uh, रमन सर uh, हमेशा बैक करते हैं मुझे बैटिंग को लेके स्पेशली वो हमेशा कह, कहते हैं कि uh, आप में वो है टीम को जिताने का वो क्षमता है मतलब आप सिंगल डबल लेके भी जिता सकते हो मैच आप बड़े हिट्स भी खेल सकते हो तो आपको बस बॉल को देखना है और खेलना है बस इतना ही कहते हो और एंजॉय करना है बस इतना ही कहते हैं राजेश्वरी टीम में वापस आई है उसके वजह से स्पिनर्स में एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन बन गया है कि आपको अपनी प्लेस uh, के लिए आपका बेस्ट परफॉर्मेंस देना ही पड़ेगा हाँ uh, मीन्स I mean, uh, सब लोग अच्छा ही कर रहे हैं सबको पता है इंडियन टीम का स्पिनिंग अटैक बहुत अच्छा है और राजे स्पेशली बहुत मीन्स अभी तक कंटिन्यूसली वो बहुत अच्छा करते आ रहे तो मैं डेफिनेटली उनके लिए बहुत खुश हूँ और उनके आने की वजह से एक अच्छा कंपटीशन बन जाता है आपस में क्योंकि और उस कंपटीशन का, का टीम को बेनिफिट होता है क्या कंपटीशन तो नहीं हम एक दूसरे को समझाते हैं कैसे करना है बहुत सपोर्ट करते एक दूसरे को मीन्स वेल बोलिंग हम uh, बोलते हैं कि कहाँ डालना है क्या बो, बो, ये पिच पे कौन सा बॉल डाल सकते हम यही सब बात करते रहते कंपटीशन आई डोंट थिंक वी टॉक अबाउट दैट और मेरा आखिरी सवाल ये आपका जो पिकअप सेलिब्रेशन है हाँ. वो कहाँ से आया और कब से okay. देख रहे हैं हम एक्चुअली वो स्मृति के लिए था uh. मुझे बोलना नहीं चाहिए बट उसके लिए था वो आ, मैं, मैंने बोला था उसको कि मैं करूँगी ये सब वो एक्चुअली वो रीज़न है उसके पीछे वो मैं नहीं बोल <laughs> okay. राधा मिनी जनरल स्टोर के ओनर बहुत फेमस हो चुके हैं ट्विटर पे ये जो आपका करियर बेस्ट परफॉर्मेंस वन ऑफ़ योर बेस्ट रहा है आज uh, किसी को आप स्पेसिफिकली डेडिकेट करना चाहोगे और फैमिली मेम्बर से क्या बातचीत हो रही है राधा जब तक आप ऑस्ट्रेलिया uh, में आए हो uh, मैं फैमिली से एक्चुअली इतना बात नहीं करती हूँ जब टूर पे होती हूँ uh, क्योंकि uh, पता नहीं मुझे पसंद नहीं है बात करना uh, तो डेफिनेटली मैं उनको डेडिकेट करूँगी और उन्होंने भी बहुत हार्डवर्क uh, किया है मेरे लिए तो Definitely for them.